ए मुन्ना ते मैं ट्राई करता हां तीसरा दूसरा तीसरा तीसरा दूसरा मुन्ना 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 दर्द हो रहा है भैया भैया मामा मुझे कुछ करने दो मामा ओनम के उस दिन ने किसी को नहीं बख्शा। बदकिस्मतों में नारायण भी एक था। ये देखिए कैसे तड़प रहा है ये। अम्मा क्यों नहीं कुछ करते आप जल्दी से। अम्मा दर्द। अम्मा नारायण नारायण मैं त्यागराज हूँ जर्नलिस्ट इस हादसे की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ आप कुछ कहेंगे प्लीज। नौकरी रियाज अप्पा अप्पा घर बहन की शादी अब कुछ ना कहते हुए भी नारायण उन चंद लफ्जों में अपनी पूरी कहानी कह गया था उस अखबार वाले से। पहली बार कहानी लिखने वाले किसी शख्स ने मौत को इतने करीब से देखा था। इंस्पेक्टर व्हाट एक्शन हैव यू टेकन सो फार। देखिए अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते हमारा काम चल रहा है अब प्लीज हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिए। त्यागराज ने इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने की ठानी। इस हादसे ने 70 जाने ली थी। 24 लोग अपनी आंखें खो चुके थे और कई सौ बीमार थे। देखिए आप लोग शांति रखिए हम तहकीकत कर रहे हैं। क्या तहकीकत कर रहे हैं आप लोग हैं? हॉस्पिटल में मरने वालों की गिनती हर घंटे बढ़ रही है और आपने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। इन सब लोगों को देख रहे हो आप? पता मत मैं जरा क्या बताऊं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। देखिए मिस्टर त्यागराज ये सारी कहानियां मालूम है मुझे। नहीं नारायण की कहानी नहीं मालूम है आपको। अम्मा कहां? अम्मा इधर आइए। इस बुजुर्ग औरत को देख रहे हैं आप? इनको लेकर दर दर भटक रहा हूं मैं। अगर मैं चाहूं तो भी अपने घर नहीं जाएंगी तब तक जब तक इस हादसे के जिम्मेदार सभी लोग सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते। देखिए मिस्टर त्यागराज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। और कितना वक्त लगेगा इंस्पेक्टर साहब? मेरा बेटा इसका भाई उसका पति इन सब लोगों की लाचारी के जिम्मेदार वही लोग हैं। उन्हें पकड़ने में और कितना वक्त लगेगा? पहले हर साल ओनम में यही व्यक्ति अरेस्ट बनाती थी अब क्या हुआ मिलावट हुई है। मिलावट हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट आए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट आए हैं। देखिए मिस्टर त्यागराज हमें उन्हें गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिल चुका है इसलिए आप शांत रहिए अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।